गिम्बल्स मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं। उसका रीजन है कि गिम्बल के पीछे की जो इंजीनियरिंग है वह रियली में कमाल की है। गिम्बल को आप एक छोटा रोबोट भी कह सकते हो, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसको पता रहता है कि हम कौन सी डायरेक्शन में देख रहे हैं, कितना फास्ट चल रहे हैं या रोटेट कर रहे हैं। लेकिन गिम्बल डायरेक्शन और रोटेशन का पता करने के लिए एक एडवांस सिस्टम और सेंसर्स का यूज करता है। गिम्बल्स को हम कितना भी फास्ट मूव करते हैं तो ये कैमरे को एक ही डायरेक्शन में स्टेबल रखते हैं, और इस स्टेबलाइजेशन के लिए गिम्बल में एक बहुत ही बेहतरीन इंजीनियरिंग रन हो रही होती है, जिसको अपन इस वीडियो में समझते हैं। जो आप गिम्बल देख रहे हो यह एक थ्री एक्सिस गिम्बल है, यानी यह गिम्बल एक्स वाई एंड जी तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। गिम्बल के एक्सिस को या रोल एंड पिच एक्सिस बोलते हैं। सबसे पहले आता है या एक्सिस, जो नीचे का हैंडल होता है। इसमें यहाँ पर एक थ्री फेज BLDC मोटर होती है जो गिम्बल को या एक्सिस में मूवमेंट करवाती है। उसके बाद आता है रोल एक्सिस, यहाँ पर भी थ्री फेज BLDC मोटर लगी रहती है जो गिम्बल को कुछ इस तरीके से रोल करवाती है। थर्ड एक्सिस यानी पिच एक्सिस, यहाँ पर भी सेम BLDC मोटर होती है जो गिम्बल को इस तरीके से मूव करवाती है, और इस मोटर के पास में कैमरा लगा रहता है जिसके पीछे लगी तीनों BLDC मोटर मिलकर कंट्रोल करती है। BLDC मोटर बहुत ही स्टेबलाइज और वाइब्रेशन फ्री मोटर होती है जो कैमरे को बहुत ही स्मूथली मूव करवाती है। इस मोटर की वर्किंग को आप इस वीडियो से समझ सकते हो। अब गिम्बल दो तरीके से काम करता है। पहला तरीका है ऑटो स्टेबलाइजेशन, जिसमें आपने यदि कैमरे को किसी एक डायरेक्शन में लॉक कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको सनसेट का वीडियो बनाना है, तो आप कैमरे को सन की डायरेक्शन में लॉक कर सकते हो। अब यदि आप इधर उधर हिलते भी हो तो कैमरा सन को देखना नहीं छोड़ेगा। अब इस चीज को समझना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि गिम्बल ऑटो स्टेबलाइजेशन मोड में काम कैसे करता है। इसके लिए गिम्बल बहुत सारे सेंसर को काम में लेता है, और इन सभी सेंसर से डेटा कलेक्ट करती है एक यूनिट जिसका नाम है IMU, इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट। IMU एक तरीके का कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है जिसमें सभी सेंसर लगे रहते हैं, लेकिन हम सिंपल लैंग्वेज में इसको इस डिजाइन से समझेंगे। यह यूनिट कैमरे के जस्ट नीचे लगी रहती है, कैमरे के लेंस के पैरेलल में। इस यूनिट में तीन सेंसर होते हैं। सबसे पहला है एक्सेलेरोमीटर, यह कैमरे के ओरिएंटेशन का पता करता है अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से। इस सेंसर का यूज हमारे स्मार्टफोन में भी किया जाता है इमेज को डिस्प्ले करने के लिए। जब हम ऑटो रोटेशन ऑन करते हैं तो जैसे ही फोन को टिल्ट करेंगे तो इमेज भी रोटेट कर जाएगी ऑटोमेटिकली। इसके अलावा एक्सेलेरोमीटर गिम्बल के पार्ट्स किस स्पीड में रोटेट कर रहे हैं इसकी इन्फॉर्मेशन भी IMU यूनिट को देता है, लेकिन यह सेंसर अकेला काम नहीं कर सकता, इसलिए इसके साथ में लगा रहता है जायरोस्कोप, जो बहुत ही अमेजिंग सेंसर है। इस सेंसर को यहाँ पर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। इस स्पिनिंग व्हील को आपने यदि रोटेट किया हो तो जब यह अपनी फुल स्पीड में रोटेट करने लग जाता है, और अब इस कंडीशन में यदि मैं अपने हाथ को थोड़ा सा रोटेट करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे एक फोर्स फील हो रहा है, और यह फोर्स है जायरो स्कोपिक इफेक्ट का, क्योंकि यह व्हील नहीं चाहता कि जब तक यह रोटेट कर रहा है तब तक इसकी डायरेक्शन कोई चेंज करे, यह इसी डायरेक्शन में रोटेट करना चाहता है। यदि मैं थोड़ा सा भी हाथ को रोटेट करता हूं तो यह उसको ओपोज करता है, इसी को जायरोस्कोपिक इनर्शिया बोलते हैं। अब यह हर डायरेक्शन के लिए होता है। यदि मैं अपने हाथ को इस पोजिशन में रखकर व्हील को रोटेट करूंगा तो अब की बार यह इसी पोजिशन में रहना चाहेगा जब तक यह रोटेट करता है। अब मैं क्या करता हूँ, इस व्हील के बीच में एक रोड लगाकर फुल स्पीड में रोटेट करने के बाद में फ्लैट सरफेस पर रख देता हूँ। यदि मैं सरफेस को थोड़ा टिल्ट करता हूँ तो व्हील अपनी डायरेक्शन को नहीं बदलेगा जायरोस्कोपिक इनर्शिया की वजह से, तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा एंगल मिल जाता है इस व्हील और सरफेस के बीच में। तो ठीक गिम्बल में भी ऐसा ही होता है, जब गिम्बल किसी एक डायरेक्शन में झुका रहता है तो स्पिनिंग डिवाइस एकदम सीधा रोटेट करती है, और हमें एक एंगल मिल जाता है जिसे IMU यूनिट को समझ आता है कि गिम्बल कितना और किस एक्सिस में रोटेट किया हुआ है। तो जैसे ही गिम्बल को ऑन किया जाएगा, जायरोस्कोप इस एंगल को जीरो करने के लिए मोटर की हेल्प से गिम्बल को सीधा कर देगा और एंगल जीरो हो जाएगा। टेक्निकल टर्म में इस चीज को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो बेसिकली जायरोस्कोप एंगुलर वेलोसिटी का पता करता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कैमरे को किसी भी एक्सिस में जिस टाइम रेट से मूव किया गया है, इट्स नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। और गिम्बल में थ्री एक्सिस जायरोस्कोप यूज होता है जो तीनों एक्सिस के लिए एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करता है। जायरोस्कोप का यूज बहुत सारे एप्लीकेशन में होता है। स्पेस में तो यह रॉकेट और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बैकबोन है, और असल में यह है भी बहुत कॉम्प्लेक्स, तो इसको हम किसी और वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और थर्ड सेंसर है मैग्नोमीटर, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करता है। अब इन तीनों सेंसर से IMU यूनिट डाटा कलेक्ट करके भेजती है माइक्रो कंट्रोलर के पास में।
और माइक्रो कंट्रोलर तीनों बीएलडीसी मोटर को कंट्रोल करता है। सिंपलिसिटी के लिए माइक्रो कंट्रोलर को हम इस बॉक्स की हेल्प से समझते हैं, अदरवाइज माइक्रो कंट्रोलर का सर्किट कुछ इस टाइप का होता है गिम्बल में। फॉर एग्जांपल, कैमरा इस पोजीशन में है तो एक्सेलेरोमीटर सेंसर कैमरे को ओरिएंटेशन पता करके आईएमयू यूनिट को सिग्नल देगा। यह यूनिट माइक्रो कंट्रोलर को बताएगी कि कैमरा अभी इस पोजीशन में है और माइक्रो कंट्रोलर सिग्नल भेजेगा मोटर के पास में और कैमरे को सीधा कर देगा। फिर आएगा जायरोस्कोप, वह भी आईएमयू यूनिट को बताएगा कि कैमरा इस एंगल पर इस एक्सिस में मुड़ा हुआ है। तो आईएमयू माइक्रो कंट्रोलर को बताएगी और माइक्रो कंट्रोलर मोटर को सिग्नल देगा और कैमरे को बैलेंस करेगा। मैग्नोमीटर सेंसर जायरोस्कोप को सपोर्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के हिसाब से बैलेंस करने के लिए। अब यदि आपने कैमरे को सनसेट पॉइंट पर फिक्स कर दिया है तो जितने भी सेंसर है यह इस पोजीशन पर अपने आप को लॉक कर देंगे और इसके बाद में हम गिम्बल को थोड़ा बहुत मूवमेंट करेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर सेंसर की पोजीशन को एक जगह पर फिक्स रखने के लिए मोटर को मूव करता रहेगा लेकिन सेंसर को एक जगह पर फिक्स रखेगा। इसको थोड़ा और सिंपल करें तो फॉर एग्जांपल यदि अपने हाथ में किसी ऑब्जेक्ट को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो हमारा दिमाग को बस इतना पता है कि इस ऑब्जेक्ट को मुझे गिरने नहीं देना है, चाहे हाथ को कैसे ही ऊपर नीचे दाएं बाएं हिलाना पड़े। तो यहाँ पर कैमरा को स्टेबलाइज करने का काम जायरोस्कोप करता है। हम गिम्बल को कैसे ही हिलाते रहें लेकिन जायरोस्कोप डायरेक्शन ऑफ रोटेशन नहीं बदलेगा, एकदम सीधा रोटेट करता है, जिसकी वजह से आईएमयू यूनिट कंटिन्यूसली एंगुलर वेलोसिटी मेजर करके डेटा माइक्रो कंट्रोलर को भेजता है और माइक्रो कंट्रोलर मोटर को एडजस्ट करता रहता है। एक बार कैमरा पॉइंट पर सेट होने के बाद में यदि हमने गिम्बल को फिर से इधर उधर हिला दिया तो जायरोस्कोप फिर से एंगुलर वेलोसिटी का डेटा आईएमयू को देता है। आईएमयू डेटा रीड करके माइक्रो कंट्रोलर को और माइक्रो कंट्रोलर फिर से मोटर को सिग्नल भेजेगा और सेंसर की डायरेक्शन में सेट करेगा। ठीक इसी तरीके से माइक्रो कंट्रोलर एक्सेलेरोमीटर और मैग्नोमीटर सेंसर से डेटा लेकर मोटर को एडजस्ट करता रहता है। तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम काम करता है और इस कंट्रोल सिस्टम में पीआईडी कंट्रोलर यूज होता है। इस तरीके से एक ऑटोमेटिक फीडबैक लूप की वजह से यह बहुत एक्यूरेटली काम करता है क्योंकि कैमरे में छोटे छोटे मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो गिम्बल कैमरे को बहुत ही स्मूथली रोटेट करवाता है। इसके अलावा हम गिम्बल के ऑटो स्टेबलाइजेशन मोड को हटा दें तो अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस मैनुअल मूवमेंट के लिए गिम्बल के अंदर एक बेहतरीन सेंसर लगा रहता है जिसको बोलते हैं जॉयस्टिक। तो जिस भी डायरेक्शन में हम जॉयस्टिक को मूव करेंगे तो इसके डेटा को माइक्रो कंट्रोलर रीड करेगा और मोटर को सिग्नल देगा और हम जिस भी डायरेक्शन में चाहें उस तरीके से कैमरे को मूव कर सकते हैं। आप जॉयस्टिक की वर्किंग को इस वीडियो से समझ सकते हो। यदि हम गिम्बल को सडनली लेफ्ट से राइट में मूव करते हैं तो गिम्बल हमारे सडन मूवमेंट को एक स्मूथ मूवमेंट में बदल देता है इन बीएलडी मोटर की हेल्प से और एक बेहतरीन वीडियोग्राफी का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाता है। गिम्बल के माइक्रो कंट्रोलर में एक सॉफ्टवेयर कोड रन होता है जो किसी भी एक्शन को परफॉर्म करवाता है। मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखकर बता सकते हो और भी साइंस से जुड़े ऐसे बेहतरीन वीडियोस को एंजॉय करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करना। इसके अलावा आप ज्वाइन बटन क्लिक करके लाइफ अड्डा के मेंबर बन सकते हो, इस चैनल को और बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकते हो। थैंक यू।